नमस्कार दर्शक बंधु, आज खबर को आपण मान स्वागत। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में सृष्टि घूर्णिवलय 8 तारिख में नेब लघुचापर रूप। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर सृष्टि घूर्णिवलय 8 तारिख में सकाल सुधा लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही। 9 तारिख में घनीभूत हो अवताप रूप नेबार आशंका रही। 9 तारिख में घनीभूत हो अवपात रूप नेबार आशंका रही। घनीभूत हो बात्यार परिणत हो पारे बोली भारतीय पाणिपाग विभाग सूचना दिखाई। 8 तारिख में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगापर अवपातर तीव्रता एवं गतिपथर विषय सृष्टि सूचना मिल पारे बोली पाणिपाग विभाग सूचना देते। वर्तमान सुधा केउं अंचल को संभाव्य बात्या प्रभावित कर से सृष्टि नहीं सूचना मिलना। सूचना अनुसार दक्षिण पूर्व बंगोपसागर पार्श्वर्ती अंचल सर्वाधिक 60 किलोमीटर बेगर पवन बहार संभावना रही। सेपरी केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल सर्वाधिक 70 किलोमीटर बेगर पवन सहित प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। तेरे ओडिशा उपर यार प्रभाव ना बोली IMDDG। अन्यपटे यही बात्यार गति किमी रेने विभिन्न मडेलों पक्ष आकलन कर आंतर्जातिक पाणीपाग संस्था wind.com आकलन अनुसार संभाव्य बात्या बांग्लादेश उपकूल पाखक लैंडफल करे। तेज संभाव्य बात्या आसंता 12 तारिख अपराह्न 2टा पर स्थलभाग छुईबार संभावना अधिक रही मडेल आकलन करिछी।